ग्वालियर के महाराज और राघोगढ़ के राजा की अदावत पीढ़ियों से चली आ रही है। दिग्विजय सिंह और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जब एक ही पार्टी कांग्रेस में थे, तभी इन परिवारों के बीच टकराव होता रहता था, लेकिन अब अलग अलग पार्टियों में आने के बाद भी ये घमासान बढ़ गया है। पहले पिता दिग्विजय सिंह और सिंधिया के बीच अदावत थी, लेकिन अब बेटा जयवर्धन भी चुनावी मैदान के बहाने सिंधिया से अदावत की लड़ाई में कूद पड़े हैं। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में सिंधिया ने जयवर्धन सिंह को हराने के लिए पूरा जोर लगाया था, तो अब लोकसभा चुनाव में भी जयवर्धन ने भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को शिकस्त देने के लिए गुना में डेरा डाल दिया है। टीवी9 मध्य प्रदेश पर देखिए जयविलास पहल और राघोगढ़ किले के टकराव की ये खास खबर। महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया को रोकने के लिए राघोगढ़ के युवराज मैदान में उतर चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह को गुना लोकसभा का प्रभारी बनाया है। ऐसे में बीजेपी के महाराज सिंधिया को हराने के लिए जयवर्धन ने गुना में डेरा डाल दिया है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया और जयवर्धन सिंह के बीच करीब 6 महीने पहले अदावत शुरू हुई थी, जब विधानसभा चुनाव के पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राघोगढ़ के जयवर्धन सिंह को हराने के लिए रणनीति बनाई थी। 2023 के विधानसभा चुनाव में सिंधिया ने दिग्गी परिवार के खास रहे पूर्व विधायक मूल सिंह के बेटे हीरेंद्र सिंह बंटी को कांग्रेस से तोड़कर बीजेपी में शामिल कराया। सिंधिया ने राघोगढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस के जयवर्धन सिंह के सामने हीरेंद्र बंटी को खड़ा किया। सिंधिया और उनकी टीम ने बंटी को जिताने के लिए पुरजोर कोशिशें की, जिसके चलते जयवर्धन सिंह विधानसभा चुनाव में हारते हारते बचे थे। 2018 में 50,000 वोट से जीतने वाले जयवर्धन सिंह बीजेपी के हीरेंद्र के सामने महज 4,000 वोटों से जीत पाए थे। जयवर्धन इसका बदला लेने के लिए अब लोकसभा चुनाव में सिंधिया के सामने अड़ गए हैं। सिंधिया को हराने के लिए जयवर्धन गुना लोकसभा में यादवेंद्र सिंह यादव की चुनावी कमान संभाल रहे हैं। विधानसभा चुनावों में श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने राघोगढ़ में अपना डेरा डाल लिया था जयवर्धन सिंह जी को हराने के लिए। एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन जयवर्धन सिंह जी को हरा नहीं सके। जयवर्धन सिंह जी की विधानसभा चुनावों में ये लगातार तीसरी जीत थी। अब गुना शिवपुरी लोकसभा का चुनाव है, सिंधिया जी प्रत्याशी हैं। कहते हैं जैसा बोगे वैसा काटोगे। जयवर्धन सिंह जी लोकसभा प्रभारी हैं, राव यादवेंद्र सिंह जी कांग्रेस के बहुत पॉपुलर प्रत्याशी हैं। राव यादवेंद्र सिंह जी, जयवर्धन सिंह जी एक अच्छी रणनीति के तहत प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और जिस तरह से पिछले चुनाव में सिंधिया जी की हार हुई थी, उससे ज्यादा मतों से सिंधिया जी की हार इस लोकसभा चुनावों में होगी। आपको बता दें कि जयविलास महल और राघोगढ़ के किले के बीच अदावत पीढ़ियों से चली आ रही है। राजशाही के दौर में सिंधिया महाराज और राघोगढ़ के राजा के बीच युद्ध तक हो चुका है। राजशाही खत्म होने के बाद लोकशाही में भी सिंधिया और दिग्गी परिवार के बीच टकराव जारी रहा। आइए अब आपको बताते हैं कि राजा और महाराजा के टकराव का इतिहास क्या रहा था। पहले जानिए दिग्गी राजा और माधव राव की अदावत। तो 1984 में पहली बार सांसद बने दिग्विजय सिंह ने अर्जुन सिंह की मदद से माधव राव सिंधिया को मात देते हुए प्रदेश अध्यक्ष का पद हासिल किया। 1991 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद दिग्विजय सिंह एक बार फिर से अर्जुन सिंह की मदद से माधव राव सिंधिया को मात देते हुए प्रदेश अध्यक्ष बने। 1993 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर दिग्विजय सिंह के पास महज 8 विधायकों का सपोर्ट था, लेकिन दिग्गी राजा अर्जुन सिंह की मदद से 77 विधायकों के समर्थन वाले माधव राव सिंधिया को मात देकर मुख्यमंत्री बन गए। अब आप जानिए दिग्गी राजा और ज्योतिरादित्य सिंधिया की अदावत। तो 2002 में उपचुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया 4,00,000 वोटों से पहले चुनाव जीते थे, लेकिन 2004 के लोकसभा चुनाव में गुना से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े ज्योतिरादित्य सिंधिया की दिग्विजय गुट ने जमकर खिलाफत की थी, जिसके चलते सिंधिया की जीत 1,00,000 के अंदर सिमट गई थी। 2009-2014 के लोकसभा चुनाव में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ दिग्विजय गुट ने काम किया, सिंधिया की जीत का आंकड़ा कम होता गया। 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में गुना सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिग्विजय गुट के अंदरूनी विरोध का सामना करना पड़ा, जिससे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़े अंतर से चुनाव हार गए थे। 2020 में दिग्विजय सिंह और सिंधिया के बीच लड़ाई चरम पर पहुंच गई, और आखिर में परेशान होकर सिंधिया ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिर गई और शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बने। माधव राव सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्गी राजा की अदावत के बीच अब जयवर्धन भी कूद पड़े हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में अब ज्योतिरादित्य सिंधिया और जयवर्धन के बीच अदावत शुरू हो गई थी।
जो लोकसभा चुनाव में चरम पर आ गई है। राजा और महाराजा की जंग को लेकर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि दोनों ही परिवारों की अदावत बरसों पुरानी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे तब भी दिग्विजय सिंह उनको हराने के लिए पूरा जोर लगाते थे और भाजपा में आने के बाद भी दिग्विजय सिंह सिंधिया जी को हराने में पूरा जोर लगाएंगे। इसके बाद भी महाराज सिंधिया का पलड़ा गुना लोकसभा सीट पर काफी मजबूती से भारी है और वे करीब 2 लाख से ज्यादा वोटों से भारी जीत दर्ज करेंगे। महाराजा और राजा की जंग में राजा हार रहे हैं और महाराजा के सर पर जीत का ताज सजने जा रहा है। दिग्विजय सिंह और उनके बेटे जयवर्धन चाहे जितना जोर लगा लें, कांग्रेस गुना के साथ राघोगढ़ जो राजगढ़ लोकसभा सीट का हिस्सा है वहां भी हार रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जो हालात हैं उसके जिम्मेदार दिग्विजय सिंह हैं और बीजेपी का ये भी कहना है कि इस बार का लोकसभा चुनाव भी पूरी तरह से कांग्रेस हारेगी। देखिए, राजा और महाराजा के बीच लगातार जब कांग्रेस में थे दोनों नेता, राजा और महाराजा के बीच में उस समय से जंग चल रही है और वर्चस्व की लड़ाई इनकी लंबे समय तक चल रही है और आज भी राजा और महाराजा के बीच जो संघर्ष है उसमें राजा कमज़ोर दिख रहे हैं, महाराजा का पलड़ा मजबूत है। क्योंकि गुना संसदीय क्षेत्र से श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया इस समय बहुत अच्छी स्थिति में है और लगभग 2 लाख मतों से वहाँ से विजय होंगे। इस स्थिति में राजा और महाराजा के बीच में जो जंग है, राजा उसमें हार रहे हैं और महाराजा विजय की ओर बढ़ रहे हैं और विजय का ताज महाराजा के सिर पर बंधेगा। इसमें देखिए गुना में मैं तो ये कह रहा हूँ कि राधोगढ़ में भी नहीं जीत रहे हैं, गुना तो बहुत दूर है उनके लिए। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि दिग्विजय सिंह ने जो कांग्रेस में स्थिति जो आज खराब है उसके सबसे बड़े सूत्रधार दिग्विजय सिंह हैं। आज कांग्रेस का जो पलायन हो रहा है, कांग्रेस में जो वरिष्ठ लोग जो बरसों से जिन्होंने तपस्या की है वो कांग्रेस छोड़ करके जा रहा है, वो एकमात्र नेता कांग्रेस के हैं वो दिग्विजय सिंह, जिन्होंने कांग्रेस को समाप्त कर दिया है। इसी तरह इस बार वो उस लोकसभा में जहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी परास्त होंगे और कांग्रेस का मध्य प्रदेश से सूपड़ा साफ हो जाएगा इस लोकसभा चुनाव में। जयविलास महल और राघोगढ़ के किले के बीच चल रही सियासी अदावत में अब तक दिग्विजय सिंह गुट भारी पड़ता रहा है, लेकिन सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने के बाद राजा दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच संघर्ष और भी तेज हो गया है। इस सियासी अदावत में अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने दिग्विजय सिंह तो खड़े ही हैं, लेकिन अब उनके बेटे जयवर्धन सिंह भी सिंधिया के सामने आकर खड़े हो गए। ऐसे में अब गुना लोकसभा सीट पर इस अदावत भरे चुनावी मुकाबले में कौन किस पर भारी पड़ता है ये तो आने वाले चुनाव के नतीजे ही बता पाएंगे। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, TV9 मध्य प्रदेश।